से बड़ी खबर के साथ, बीजेपी ने नए सिरे से सदस्य बनाने का अभियान शुरू किया है। 2 सितंबर से सदस्यता का संगठन पर्व शुरू हो जाएगा। नए सिरे से सभी को फिर से सदस्यता लेनी होगी। जेपी नड्डा, पीएम मोदी के उनको पहला सदस्य बनाया जाएगा, तो पीएम मोदी को पहला सदस्य बनाया जाएगा। पहले सदस्य भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री मोदी होंगे, जेपी नड्डा उनको सदस्य बनाएंगे और फिर देश भर में सदस्यता अभियान की शुरुआत हो जाएगी। बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय से इसका शुभारंभ किया जाएगा। तो एक बार फिर से नए सिरे से शुरुआत हो रही है और नए सिरे से सदस्यता अभियान होगा, सभी को फिर से सदस्यता लेनी होगी, जो कि कहा जा रहा है। तो बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय से शुरुआत होगी, प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले सदस्य बनेंगे, उसके बाद पूरे देश भर में सदस्य बनाए जाएंगे। अलग अलग राज्यों में अलग अलग व्यवस्थाएं होंगी। तो 2 सितंबर से सदस्यता का ये संगठन पर्व जो कि शुरू होने जा रहा है, नए सिरे से सभी को फिर से सदस्यता लेनी होगी। भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से जो है रिकॉर्ड रचने जा रही है, सबसे ज़्यादा सदस्य होने का अभी भी वो दावा है और आगे आने वाले समय में एक बार फिर से सदस्यता अभियान की शुरुआत है। तो एक बार फिर से नए सिरे से फिर एक रिकॉर्ड बनाने की तैयारी। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे, हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी जुड़ गए। मनोज जी, दो बातें होती है, एक तो सदस्य पहले से बने हुए और उनमें फिर और नए सदस्य को जोड़ना, यानी कि सदस्यों की संख्या बढ़ाना, लेकिन यहां जब बात की जा रही है नए सिरे से, उसकी वजह क्या है? देखिए, वजह कुछ नहीं होती है, जो हर एक पार्टी का अपना एक संविधान होता है, हर एक पार्टी का अपना नियमावली होती है, उसी के अनुसार 4-5 साल में जब भी सदस्यता अभियान होता है तो उसमें फिर से सदस्य बनाए जाते हैं। लेकिन ये पहले 31 मार्च से शुरू होना था और अब 2 सितंबर की ये तारीख है, 2 सितंबर से भारतीय जनता पार्टी का बृहद सदस्यता अभियान शुरू होगा। सबसे पहले जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो प्रधानमंत्री मोदी को बनाएंगे सदस्य, उसके बाद नड्डा साहब खुद भी सदस्य बनेंगे और इसके उसी दिन पूरे देश भर में सदस्यता अभियान की शुरुआत हो जाएगी। प्लान ये है भारतीय जनता पार्टी का कि इस बार भी 10 करोड़ से ज्यादा सदस्य बनाना, जिसमें 1.5 करोड़ का तो मध्य प्रदेश में ही कहा जा रहा है जो टारगेट दिया गया है, लेकिन उसके अलावा हम पूरे देश भर की बात करें तो सदस्यता अभियान भारतीय जनता पार्टी किसी भी पार्टी के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। सदस्यता अभियान के जरिए समझ आता है कि उस विचारधारा से, उस पार्टी से कितने लोग जुड़ना चाहते हैं और इसलिए सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाया जाएगा सदस्य। उसके बाद उसी दिन से अलग अलग राज्यों में, चाहे मुख्यमंत्री है या वहां के प्रदेश के अध्यक्ष है, सभी लोग नए ढंग से सदस्य बनेंगे। तो ये एक पुराना तरीका है, हर एक पार्टी का होता है, तो उसी में सदस्य बनाने की प्रक्रिया का हिस्सा होगा। लेकिन 2 तारीख से, यानी 2 सितंबर से भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता अभियान शुरू हो रहा है। पहले ये तारीख 31 मार्च की गई थी, लेकिन अब बढ़ाकर इसको 2 तारीख से किया गया, तो 2 सितंबर को बीजेपी इस बार फिर नए ढंग से सदस्यता अभियान की शुरुआत करेगी और चाहेगी कि जैसा सबसे बड़ी पार्टी कहा जाता है एशिया में, दुनिया में, वैसी ही पार्टी एक बार फिर बनकर उभरे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी इस पूरी जानकारी के लिए और बातचीत।